भारतीय संविधान के निर्माता तथा मानवीय अधिकारों के पुरस्कर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में मनाई गई। स्थायी विकास का लक्ष्य तथा क्रमिक असमानताओं को नष्ट करने के संकल्प के साथ संयुक्त राष्ट्र में पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मानवीय समूह के बीच असमानताओं से मुकाबला करने के लिए एक समूह चर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG यानी सतत विकास का लक्ष्य। इस आयोजन के मुख्य प्रवर्तक दिलीप मस्के, इन्होंने 2030 तक भारत से जातिगत भेदभाव नष्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयास करें, ऐसी अपील की। साथ ही साथ गरीबी, भूख और सामाजिक आर्थिक असमानता खत्म करने का संकल्प भी लिया गया। इन प्रयासों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उज्जवल दृष्टि सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मार्गदर्शक बनेगी, ऐसा विचार सभी मान्यवरों ने व्यक्त किया। फाउंडेशन फॉर ह्यूमन हिरजाइन एवं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर गूगल ने इनोवेशन हेड ऑलिवर रसनबेग, IBM की डॉक्टर जूलिया गीडन, अमेरिका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख पद्मजा चुंदुरे, हिटलैब के अध्यक्ष स्टैन कुशांस्की आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के कुलगुरु कैथरीन न्यूमैन ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार दुनिया को अफर्मेटिव एक्शन का फार्मूला दिया, संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर सदियों से वंचित समूह को समाज की मुख्य धारा में लिया। गूगल के ऑलिवर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर एक दूरदृष्टि वाले नेता थे। गूगल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्य को नमन करता है। हम भी दलितों के लिए अफर्मेटिव एक्शन के तहत कार्य करेंगे। इस वक्त दिलीप मस्के, इनकी माताजी का भी सम्मान किया गया। दिलीप मस्के की माताजी ने बेहद गरीबी में दिन गुजारे और दिलीप को पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी कारण आज दिलीप अमेरिका में न्यू जर्सी में अपना क्लिनिक खोल के शोहरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहब का योगदान हमें प्रेरणा देता है। हम अनुसूचित जाति के उद्योजकों को SBI RBI के द्वारा स्वयं रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मत पद्मजा इन्होंने व्यक्त किया। बड़े ही शान से ये समारोह संपन्न हुआ। गाजे बाजे के साथ कई प्रतिनिधियों ने UN दफ्तर पहुंचकर बाबा साहब को अभिवादन किया।